बी बोल्ड फॉर चेंज. इस बार महिला दिवस का संदेश यही है, जोखिम उठाओ और दुनिया बदलो. लेकिन हकीकत में जब सपनों पर बंदिशें हो और हाथ खाली, हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरे का मुंह देखना पड़े तो ख्वाब अधूरा ही रह जाता है. इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कमाई और निवेश का विमेन फॉर्मूला. जी हाँ, इन सूत्रों से आप अपने और अपनों के सपनों को हकीकत बना सकते हैं. हमारी विमेन अचीवर्स आपको बताएंगी खुद की जिंदगी की कहानी, कैसे उन्होंने शून्य से शिखर का सफर तय किया है. विमेन अचीवर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी. और इसमें हमारे साथ जुड़ रही हैं नामी प्रोड्यूसर और सिख एंटरटेनमेंट की सीईओ गुनीत मोंगा, केएल और बिलाबोंग की फाउंडर लीना आशर, अनराठी कमर्टीज की डायरेक्टर प्रीति राठी गुप्ता और साथ ही जुम्बा ट्रेनर और एजुकेशन स्पेशलिस्ट सुचिता पाल. आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में. साफ तौर से आज हम न सिर्फ विमेन फाइनेंशियल अचीवर्स की बात करेंगे, विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, लेकिन आपकी कहानी के जरिए मैं चाहती हूं कि वो तमाम महिला दर्शक जो हमें देख रही हैं इस वक्त, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए टिप्स भी ले सके. तो आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी लीना जी. आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. आप शादी से पहले काम करती थी, बाद में आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको लगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, और इसीलिए फिर आपने कुछ अपना वेंचर शुरू किया. तो कुछ बताइए संक्षेप में अपनी कहानी के बारे में. आई थिंक आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी द विजन ऑफ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो अदर देन माई स्कूल बुक्स एंड माई यूनिफॉर्म्स, आई ऑलवेज हैड टू अर्न मनी फॉर माई वॉन्ट्स. बिल्कुल बिल्कुल. सो माई नीड्स वर प्रोवाइडेड बट फॉर माई वॉन्ट्स. सो when I got married, I had to go to my father-in-law, my husband, for the littlest of things that I needed. Mm-hmm. I realized that I really had this urge to be financially independent. Mm-hmm. So, yeah, I just started from there. It started with one school and a hobby, and it grew to whatever it is today. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पर प्रीति आपकी कहानी बिल्कुल अलग है. आप ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जो कि फाइनेंशियली काफी अवेयर है, जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में काफी कुछ जानता है. ऐसे में आपके ऊपर फाइनेंशियल प्लानिंग का दारोमदार खुद के लिए कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है, कितना जरूरी हो जाता है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं हम जी, कि हम हमारी लाइफस्टाइल को एक ऐसे तरीके से कंटिन्यू कर सकें जिससे हमारी जो भी नीड्स है, वांट्स है, वो कंटिन्यूसली मीट होए. उस तरह से हम प्लान कर सके और इस तरह के लाइफस्टाइल हम कंटिन्यू कर सके. और जब ये सिक्योरिटी हमारे पास हो तब हम हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस और पैशंस को फॉलो कर सकते हैं. तो बीइंग अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और भी जरूरी था दैट यू लीड बाय एग्जांपल. एंड क्योंकि हम मतलब the background that I come from, it was necessary that you know it was just part of DNA कि आपको ये तो करना ही है. ये जो आप दूसरों को सलाह देते हैं करने के लिए वो आप खुद पहले करिए. तो from that perspective it's always been a part of life. तो कुछ बहुत मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है. ऐसा लगता है कि ये तो करना जरूरी है. हाँ. लोग मुझसे पूछते हैं तो मेरे को लगता है जिस तरह से खाना खाना जरूरी है जीने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए उतना ही जरूरी सही है. सही बात कही है आपने. जितना खाना खाना जरूरी है उतना ही जरूरी है आर्थिक तौर पर आजाद होना. कुनीत जी, आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप सपनों की दुनिया में लोगों को ले जाती हैं और वो सपने जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वाकई हम अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो लगातार इतने सारे हम स्ट्रगल देखते हैं लोगों की, सालों साल लगे रहते हैं. आपकी कहानी क्या है, कैसे आपने अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ज़रूरी समझा और उसे अचीव किया? सो मैं बहुत ही एक हम्बल फैमिली से आती हूँ. एंड मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाई हैं जिनमें ना इतना पैसा होता है बनाने के समय और ना पैसा होता है एक्सप्लॉयटेशन के समय. सो कहीं ना कहीं बस काम करते रहे और थोड़े 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 पैसे जोड़कर. मैंने तो बहुत छोटी 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 FDs की हुई हैं. अच्छा. एंड प्लस लाइफस्टाइल आपको बहुत सिंपल रखना पड़ता है. हाँ. तो जो ज़रूरतें हैं और उसी के हिसाब से लाइफस्टाइल है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी इंडिपेंडेंस वहाँ पाई है. अच्छा. तो मैंने तो बहुत शुरुआत की है. हाँ. और आज कुछ 12 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद. हाँ. ऐसा है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है. हाँ. बट अभी भी इतना नहीं है. हाँ. कि आप सपने पूरे कर पाओ या गाड़ियाँ या घर खरीद पाओ. हाँ. बट इवेंचुअली
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जरूरी यही है कि कम से कम आप अपने एस्पिरेशंस को समझे, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझे, अपने आर्थिक लक्ष्यों को समझे और उनके लिए काम करना शुरू करें। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुचिता भी, स्वागत है आपका। आपकी कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। आपने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी डांसर बनने के लिए, लगभग 10 साल की आपकी स्ट्रगल है। मुंबई में आपने, अगर मैं कहूँ तो लिटरली, जैसा कि आपके शब्दों में ही, वड़ा पाव खा के मैंने जिंदगी गुजारी है, दिन गुजारे हैं। तो कुछ बताइए अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है वो स्ट्रगल मेरे लिए, बिकॉज टुडे मैं क्या करती हूँ, आई मेक द मनी वर्क फॉर मी। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था जब आपने बहुत सही बोला, फॉर 2 ईयर्स आई हैड नो मनी व्हाटसोएवर। एक बहुत हाई फ्लाइंग जॉब थी मेरी फॉर 5 ईयर्स, और फिर एक दिन ऐसा आया कि 5,000 थे पॉकेट में। तो मैंने 3 जॉब्स किए हैं जस्ट टू ईट 3 वड़ा पाव्स। एंड टुडे आई नो कि आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक, कि मैं वो सिचुएशन में वापस नहीं आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करूँ, और हमेशा ऑल फीमेल्स आई ऑलवेज टेल देम, मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सो दैट टुडे आई डोंट हैव टू गो बैक टू दैट सिचुएशन वापस। बिल्कुल, तो आपने अपनी सपनों की जो उड़ान है उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के सही पंख दिए हैं जिसके जरिए आप ये अचीव कर पाई है। लेकिन प्रीति, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में एक एक करके मैं आप सबकी एसेट क्लास जानना चाहूंगी। आपने किस एसेट क्लास को चुना कि मेरे लिए यही सही इन्वेस्टमेंट है और मैं इसी में आगे बढ़ना चाहती हूं, या आपको लगता है कि बिकॉज रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमेन इन्वेस्टर्स काफी स्मार्ट होते हैं, इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट के जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको विमेन लाइक कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही पेशेंट रखते हैं, काफी लॉन्ग टर्म निवेश में विश्वास रखते हैं। आपकी फेवरेट एसेट क्लास क्या है? तो सबसे पहले मैंने अपनी नीड्स को डिफाइन कर रखा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, एंड आई थिंक वो जरूरी है, आर्थिक लक्ष्य की आप बात कर रही हैं। बिल्कुल, ओके, कि मेरे को, मुझे लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म चाहिए या मुझे मेरे गोल्स शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। और ये जरूरी, मेरे को महिलाओं के विषय में ये और भी ज्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे अगर आप एक फैमिली का हिस्सा है तो फैमिली में कोई ना कोई आपकी बाकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग तो करता है, बट एज अ वुमन आपके खुद के गोल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो मैं जिस हिसाब से मैं मेरे गोल्स डिफाइन करती हूँ उस तरीके से मैं एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हूँ। मैंने काफ़ी, क्योंकि मैं पार्ट हूँ इस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का, तो मैंने काफ़ी डायरेक्ट इक्विटीज में, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया। फिर मुझे लगा कि उसमें मुझे खुद को बहुत समय भी देना पड़ता है, और जो थोड़े बहुत मेरे पास स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म मैंने रख रखे हैं। शॉर्ट टर्म में मैं नॉर्मली मीडियम टर्म में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा वेरी स्मॉल कंपोनेंट इन सम डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स की मुझे जो इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए जरूरत हो उसमें करती हूँ। सो दीज आर माय प्रेफर्ड। बट इसमें कविता, मेरे सबसे पहले मुझे ये बताना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं बहुत सारी वुमेन से मिलती हूँ जो कहती हैं, जैसे अभी गुनीत ने बताया कि मेरा आई इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं थोड़ी, बिल्कुल। सो मेरा कहना, मेरा मानना ये है कि आप उसको इस नजरिए से देखें। आई मीन वुमेन आई थिंक डू नॉट लुक एट पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, डू नॉट लुक एट इन्फ्लेशन, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये जरूरी है, जैसे सुचिता ने बताया कि आई मेक माई मनी वर्क फॉर मी। इसका मतलब ये कि आज अगर आप इतने पैसों में इतना कुछ आप खरीद पाती हैं, स्पेंड कर पाती हैं, या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाती हैं, तो आप 10 साल बाद आपको कितना, बिल्कुल, you know, प्लानिंग की जरूरत है। और मेरे ख्याल से प्रीति, कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है, जहां पर हम सब काम आते हैं, आप सब काम आते हैं, और अपने एग्जाम्पल के जरिए, अपने उदाहरण के जरिए वो तमाम महिलाओं को ये बता सकते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। गुरी जी, आपका जिक्र हुआ है और आपने बताया कि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहा है, शायद आप रिस्क लेने से डरती हैं, लेकिन अभी की हालत अगर मैं आपसे पूछूं, अभी का आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पैटर्न है पूछना चाहूं, कहां कहां निवेश किया है, एसेट क्लास आपकी क्या है, कि अभी कुछ नहीं है? नहीं, मुझे तो एसेट क्लास शब्द भी नहीं पता कि क्या होता है, इसके बाद हम मिलेंगे। और मैंने कभी, मैं आई डोंट थिंक वहां तक पहुंची हूँ। बस इतना है कि रेंट निकल जाता है। मुझे, मैं दिल्ली से जब आई थी बॉम्बे, मुझे सिर्फ एक सी फेसिंग घर में रहना था। अच्छा, तो वो मेरा सबसे बड़ा सपना था। अच्छा, एंड आई पे फॉर माई ओन रेंट, एंड I have enough money to pay for a year's of rent, one year of rent, and उसके बाद देख लेंगे और काम कर लेंगे। एंड उसके अलावा एक बेसिक रहना, खाना पीना के लिए इनफ पैसा है, और उसके अलावा जो थोड़ा सा पैसा है वो FD में। आप आज में जीती हैं
और अपनी तमाम नीड्स को पहचानती हैं और उसके मुताबिक कमाती हैं और खर्च भी करती हैं। उसके अलावा I do consultancies to make that kind of money. हाँ, that this pays I work outside of my own work. जी, I work so that I can maintain this little dream and this little life of mine. हाँ, और इससे ऊपर मतलब नहीं सोचा और उससे ज्यादा जब आएगा तब आई थिंक आई विल गेट इट. लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आप अपनी जरूरतों को समझती हैं और कहीं ना कहीं आप खुद काम करती हैं और पैसे निवेश करती हैं और उसका ट्रैक भी रखती हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है कहानी लीना जी की और सुचिता की भी, कौन से एसेट क्लास में वो विश्वास रखती हैं, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जहां पर हम आपको मिला रहे हैं विमेन अचीवर्स से जिन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया है. आगे बढ़ते हैं लीना अशर से. अब मैं जानना चाहूंगी कि आपने किस एसेट क्लास में दांव लगाया है. आप ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर अवेयरनेस को लेकर कितनी अवेयरनेस वहां पर है और कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है. सो ऑनेस्टली I'm a teacher by profession, an English teacher, and when I started my schooling business, I didn't know the difference between equity and debt. So we've come a long way from 600 square foot space and 12 kids to 5 countries, 100 schools, and that whole thing. So I guess my biggest investment has always been back in my business. You know, back into R&D. It's a never-ending process that you know, if you don't keep on innovating and improving what you're Lekin doing. Lekin is business ko khada karne ke liye bhi Lina ji aapne kis asset class pe bharosa kiya? Jama kaise kiye paise? I had to make a business plan for my dad. Okay. Acha. On which he said he'd give me a loan, an interest-free loan. Acha. So 25 years ago, he gave me 30 lakhs Achha. As an interest-free loan. He gifted it to me along the way. Huh. But I just kept on reinvesting. So whatever money we'd make, we'd just keep on expanding a little bit, reinvesting. We reinvested in properties. Yeah. So I guess the biggest assets the company owns today is one is the IP, the intellectual property that we create, which we've always kept on reinvesting back in. Our people, that's a great investment that we've made. And I guess I'm Gujarati by nature, so I love to have a little bit of property sort of assurity. लेकिन अहम बात ये है कि आपने सोचा समझा एक प्लान बनाया उसके मुताबिक पैसे लगाए और बाद में उन्हीं पैसों को reinvest किया अपने business में. आप बताइए सुचेता आपकी क्या कहानी है asset class के लिहाज से, आपका favorite और smart performing asset class कौन सा है? सो बहुत इंटरेस्टिंग है. जब मैं इंजीनियर थी तो आई यूज टू वर्क फॉर द फाइनेंस डोमेन एक्चुअली. अच्छा. सो आई यूज टू हैंडल डोमेन जहाँ पे मैं स्टॉक्स में हैंडल करती थी. तो माई फोकस हैज बीन अभी कि द स्मार्टेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज में. ये लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि इफ आई नाउ ओन अ प्रॉपर्टी दैट इज द परफेक्ट एसेट फॉर मी. लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है. वी आर एक्चुअली पेइंग रेंट ऑन इट और वी आर एक्चुअली पेइंग एन EMI ऑन इट. तो वो लाइबिलिटी हो जाता है. एसेट इज वेन यू आर स्मार्ट. सो इफ आई एम सिटिंग इन बॉम्बे आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी इन गांधीनगर विच इज एन अपकमिंग प्रॉपर्टी इन गुजरात. सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट योर रियल estate investment, just not invest in real estate, bilkul, right? Bilkul. Aur dusra cheez hai, I'm a big believer, as you said, you know, in stocks. Lekin women is cheez se bohat darte hai. Bilkul sahi kaha aapne. Toh I would suggest ki agar aap stocks mein invest karna chahte ho, toh pehle you first educate yourself. Bilkul. Ye cheez bahut important hai ki फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है विमेन में. एंड वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट कि हम अपने डैड या ब्रदर या हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर आर टैक्सेस और आर इन्वेस्टमेंट. सो आई फील फर्स्ट एडुकेट योरसेल्फ एंड दीज टू आर अ श्योर शॉट, रियल एस्टेट स्मार्ट एंड सेकंड इज स्टॉक्स फॉर श्योर. बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर आप भी शायद इतफाक रखेंगे. इनकी बात सही सही कहा इन्होंने, जो आपने भी कहा कि फाइनेंशियली अवेयर नहीं है महिला और खासतौर से अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो क्योंकि समझ नहीं है तो डरती है निवेश करने से. तो मेरा मानना है सबसे पहले तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए जो आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है. कोई भी चीज़ हम करना शुरू करें उसमें सबसे ज़रूरी हम पहले नॉलेज गेन करें. आई थिंक वीमेन आर नॉर्मली इक्विप्ड. हमारे पुराने ज़माने में जो हमारी दादी माँ वो बजट और प्लानिंग मैनेज करती थी. सो देयर इज नो रीज़न वी कैन. हमारे देश में तो गृहलक्ष्मी कहा ही जाता है महिलाओं को. इसीलिए तो
कोई कारण नहीं है कि हम आज हम ना कर सके हम यू नो इन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स. बिल्कुल. और मेरा मानना ये भी है इन एडिशन टू व्हाट सुचेता सेड इज दैट अगर आपको स्टॉक से डर लगता हो तो आप कोई फंड में इन्वेस्ट करें क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स आपके स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं आपके लिए. तो आप सिर्फ ये स्टडी कर लें कि कौन से फंड्स ज्यादा अच्छे यू नो रिटर्न्स दे रहे हैं या बेटर परफॉर्मिंग फंड्स है हिस्टोरिकली और उसमें तो उससे आपका काम आसान हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पर चाहे आप हाउसवाइफ हो या आप वर्किंग वुमेन हो निवेश की जो रणनीति है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं कि आपको कौन सी सूट करती है कौन सी नहीं. साथ ही आपके लक्ष्य क्या है आपके आर्थिक लक्ष्य क्या है उनके मुताबिक आप निवेश की रणनीति बनाइए. लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद कुछ दर्शक है जो हमारी आज की वुमेन अचीवर से सवाल पूछना चाहते हैं. लेंगे उनके सवाल इस ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जहां पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं विमेन अचीवर्स से जिन्होंने पाई है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अब जुड़ते हैं हमारे दर्शकों से लेते हैं उनके सवाल और एक एक करके हमारी जो महिला अचीवर्स हैं उनके सवाल का जवाब देंगे. तो सबसे पहले लीना जी आपके लिए सवाल आया है. श्रेया पूछना चाहती हैं ये टीचर हैं और अपने बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझाना चाहती हैं कैसे करें. Hi Shreya. Well, I think the beginning is to get children to be aware of money in the first place. I mean, from a simple thing, like if you're talking to kids about water, what does water cost in a retail store? What does it cost in a restaurant? What does it cost in a five-star restaurant? So kids start understanding that that money is flexible. The other thing is always give your kids what they need. As a mother, but don't give them what they want. Let them start earning what they want at a very young age. Every year in what we do as education, one piece is always about entrepreneurship. So help your kids set up businesses, help them learn to do chores in exchange for money. Ask them to think of innovative ways of earning money. I think that's what I would say to you. तो जितना जल्दी हो सके बच्चों को पैसों का महत्व समझाइए ये कहना है यहाँ पर लीना का. आगे बढ़ते हैं और गुनीत जी आपसे सवाल पूछना चाहती हैं 24 साल की विनेसा और सवाल भी बहुत बढ़िया है. मॉडलिंग करती हैं ये और बोल रही हैं कि इस तरह के प्रोफेशन में क्योंकि लगातार रेगुलर इनकम नहीं मिलती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफस्टाइल मेंटेन करना और ऐसे में अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम आगे बढ़ना चाहें तो कई सवाल आते हैं कैसे शुरुआत करें. नहीं सबसे पहले तो लाइफस्टाइल क्या है. यू नो लाइफस्टाइल अपने आप के लिए डिफाइन करना होता है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है. जब मैं बॉम्बे आई थी तब मैं गोरेगांव में एक 1 BHK में शेयर करके रह रही थी. एंड जब आप बाहर निकलते हो तो कोई मतलब आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप कहाँ रह रहे हो. राइट. जब तक आपका घर साफ़ है और आपकी आपकी बेसिकली लाइफस्टाइल क्या है आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो लाइफस्टाइल रखिए. जैसे कि वो पहले तो आपको चुभे ना. उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको ट्रैवल एंड एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ किया इज़ टू मॉनिटर एक्सपेंसेस. सबसे पहले जब हमें हमारे एक्सपेंसेस का पता चलेगा जैसे इवन वी वर सेइंग कि बचपन से आदत डाली जाए और जैसे अगर हमने एक्सपेंसेस अगर लिख पाए और मेंटेन कर पाए तो हमें पता चलेगा कि हमारी एग्जैक्ट ज़रूरत क्या है और उस हिसाब से आप अपने लिए 6 महीने 1 साल प्लान कर सकते हो एंड फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास सरप्लस क्या है या आपको कितने दिन काम करना है या आपको इतना हो जाए तो यू कैन एटलीस्ट यू नो लिव दिस लाइफ एंड देन यू कैन dream big. You can say okay now I can invest in a car, now I can do this, now okay. I can do that, but I don't think lifestyle एक social norm है जिसका हमें इतना stress नहीं लेना चाहिए. बिल्कुल. And lifestyle जो ज़रूरतें हों उसमें दुनिया भर में आप कहीं पर भी निभा सकते हो as long as you know how much you are making and what you are spending. बहुत basic है और मैंने अपनी life उसी की तरह आज तक जी है. तो yeah. बहुत ही बेसिक चीज़ है. अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए खर्चों का ट्रैक रखिए उसके मुताबिक निवेश कीजिए. समय कम है जल्दी से एक एक करके सवाल लेंगे. पहले आपसे सुचेता जी. जोया 20 साल की हैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं कहाँ निवेश करना बेहतर होगा पूछ रही हैं. ऑफ कोर्स. तो जोया बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं हमेशा बताना चाहती हूँ कि जो भी कोई यंग है वो सबसे पहले उनको एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए. आपका स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है थ्रेट्स है स्ट्रेंथ्स है उनको और बढ़ाओ. जो वीकनेसेस है जो इंडस्ट्री लीडर्स है उनसे पूछो क्या एक्सपीरियंस है आपका. एंड सेकेंड इज स्मॉल स्मॉल सेविंग करते रहो और वो इन्वेस्ट करो आप आपके स्टॉक्स और रियल एस्टेट में एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एजुकेशन. प्रीति 15 सेकेंड है मेरे पास लेकिन यहाँ पे मेघना 23 साल की हैं सवाल पूछ रही हैं कि पहली नौकरी है अब एस्पिरेशंस भी कई सारे हैं खर्चे भी करने हैं निवेश भी करना है कैसे करें.
मेघना, मेरी राय आपसे सबसे पहले ये है कि कुछ भी अचीव करने से पहले हमको दो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको सिस्टम, हमको डिसिप्लिन रखना है. तो अपना गोल आप सेट करें. मेरे हिसाब से एस्पिरेशन और ड्रीम्स में और फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. मेरे हिसाब से दोनों सब चीज़ें मैनेज हो सकती है जब तक कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, उसको डिफाइन करें और फिर सिस्टमैटिकली उसकी तरफ वर्क करें. जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें, आपके गोल्स कैसे अचीव कर सकती हैं उनसे पूछें और वो एक गूगल मैप की तरह फॉलो करें कि उन्होंने एक रोड मैप बता दिया, अब मुझे सिर्फ फॉलो करना है उसको. बिल्कुल. तो यहाँ पर सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप अपने तमाम सपनों को पूरा करने का दमखम रखती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए. और इसी नोट पे मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही. नमस्कार.